आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम योगी का गोरखपुर देवरिया दौरा आज है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी गोरखपुर और देवरिया दौरे पर रहेंगे, सहजनवा स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। बाटली प्लांट का भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देवरिया और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी का गोरखपुर और देवरिया दौरा आज है, जहां वो तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं सहजनवा स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। बाटलिंग प्लांट का भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी। बता दें कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी का गोरखपुर और देवरिया दौरा है आज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सहजनवा स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। बुलंदशहर की बेटी ने पीसीएस परीक्षा में प्रदेश में तीसरा स्थान पाकर जिले का नाम रोशन किया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छोटी काशी निवासी 24 वर्षीय नम्रता सिंह ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है। छोटी काशी अनूप शहर की रहने वाली है नम्रता सिंह। नम्रता ने जेपी विद्या मंदिर से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। 2015 से एससी टॉपर रही है नम्रता। मां डीबीबीएस कॉलेज में प्रोफेसर और पिता एटा ग्राम विकास विभाग में उप निदेशक है। नम्रता द्वारा सूबे में तीसरा स्थान पाने पर परिवार में जश्न का माहौल है। फरुखाबाद में दबंगों का कहर देखने को मिला है, बड़ी खबर आपको बता रही है। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे दबंगों को रोकना युवक को महंगा पड़ा है। दबंगों ने युवक को तालिबानी सजा दी, वहीं जमकर मारपीट की, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंभीर हालत में पीड़ित को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित का थाना पुलिस पर लीपापोती करने का आरोप है। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के ग्राम हथियापुर का मामला बताया जा रहा है। अकरम। पिताजी का क्या नाम है? कैसर खान। कहाँ रहते हो? हथियापुर। थाना मोहतरवा। कैसे चोट लगी है? ये मोदी जी को गालियाँ दे रहे तो हमें मारा है उनने। किसको दे रहे थे? मोदी जी को। तुमने बोला गालियाँ क्यों दे रहे? वो तो बहुत अच्छे इंसान है, राशन दे रहे फ्री गरीब लोगों को। तो बोले तुम गरीब हो, हम पैसे वाले हैं, इसीलिए मारा। हरमान जयराज ने। किसको गाली दे रहे थे? मोदी जी को। फिर तुमने बोला वो इतने अच्छे इंसान है, वो सबको राशन गरीब तुम्हें दे रहे हैं। तो बोले वो तुम लोग गरीब हो, तुम्हें पटरी रख देंगे काट के, तुम गांव छोड़ के नहीं गए कल तक, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। फिर तान किससे मारा है? बेल्टों से निशान देखो मेरे। फिर पुलिस शिकायत की? पुलिस शिकायत पे गए वहाँ, बोलो पहले से उन लोग बैठे हैं सारे लोग। अभी कहाँ आए हो? अभी तुम लोहिया। फैजान फरार हुआ है, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ जेल से पेशी पर लाया था कोर्ट, बता दें कोर्ट लाया गया था, वहीं से फरार होने की घटना सामने आई। पेशी के दौरान कोर्ट से फरार हुआ है। ड्यूटी में तैनात सिपाहियों की लापरवाही से फरार हुआ, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मड़ियाओ थाने से हत्या में गया था जेल, किन्नर की हत्या कर गया था मड़िया उसे जेल, बड़ी खबर आपको बता रही है। थाना वजीरगंज क्षेत्र स्थित कोर्ट से फरार हुआ है। लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ अधिकारियों ने कार्रवाई का निर्देश दिए।
और इस खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, कैदी फैजान फरार हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कैदी को जेल से पेशी पर लाया जाता है तो कोर्ट में लापरवाहियां देखी गई और इस बार एक बार फिर लापरवाही देखी गई। जब फैजान को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था पेशी पर, तो वहां पर पुलिस कर्मियों को चकमा दे करके वो फरार हो गया। अब उसकी तलाश तो शुरू कर दी गई है, लेकिन इस मामले में जो पुलिस कर्मी थे जिनको जो पेशी पे लेके आए हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई के जो है अधिकारियों ने आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल खड़ा यहाँ पे ये होता है कि आखिर जो लापरवाहियां है, ये लापरवाहियां होती क्यों है? क्योंकि ये कुछ पहला कैदी नहीं फरार हुआ है। तो ये हत्या का जो आरोपी है, किन्नर की हत्या में मड़ियांव थाने से हाल ही के दिनों में जेल भेजा गया था, और जब पेशी पे आया तो पुलिस कर्मियों की चूक कहां से हुई, क्या लापरवाहियां हुई, इस पर जो अधिकारी है उनका कहना है कि इस पर जांच की जा रही है, जो दोषी पुलिस कर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी धन्यवाद कलीम तमाम जानकारियों के लिए। लावारिस शवों के साथ दफन हो गए उनकी हत्या के राज लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। युवती का जला हुआ शव मिलने से तेज हुई पिछले केसों की चर्चा। गहला पुल के पास जला कर फेंका गया युवती का शव, नहीं खुला अब तक राज। चिन्हट में बोरी में भर कर फेंका गया शव, नहीं हुई अब तक उसकी शिनाख्त, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिन्हट में एक युवक का भी मिला था शव, हत्यारे जेल भी गए लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। युवती की हत्या कर शव जलाने के मामले में कई बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। सैदपुर घटना पर पुलिस अवैध संबंधों के बिंदु पर भी जांच पड़ताल कर रही है। 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी नहीं हो सकी अधजली युवती की शिनाख्त। सैदपुर थाना क्षेत्र के सरौरा गांव के एक खाली प्लॉट में युवती का जला शव मिला था। लावारिस लाशों के साथ दफन हो गए उनकी हत्या के राज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। युवती का जला हुआ शव मिलने से तेज हुई पिछले केसों की चर्चा। गहला पुल के पास जलाकर फेंका गया युवती का शव, अभी तक कोई भी राज नहीं खुला है। चिन्हट में बोरी में भर कर फेंका गया शव, अब तक खुद की शिनाख्त नहीं हो पाई है। चिन्हट में एक युवक का भी शव मिला था, हत्यारे जेल भी गए लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। युवती की हत्या कर शव जलाने के मामले में कई बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। सैरपुर घटना पर पुलिस अवैध संबंधों के बिंदुओं पर भी जांच पड़ताल कर रही है। 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी नहीं हो सकी अधजली युवती की शिनाख्त, बड़ी खबर आपको ये लखनऊ से हम बता रहे हैं। सैरपुर थाना क्षेत्र के सरौरा गांव के खाली प्लाट में युवती का जला शव मिला था। इस खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, लावारिस शवों के साथ दफन हो गए उनकी हत्या के राज। देखिए, जिस राजधानी लखनऊ में घटनाएं हो रही हैं, तो घटनाओं की हम बात करें कि जो शव है, जो लावारिस होते हैं, लावारिस शव की शिनाख्त जब पुलिस नहीं कर पा रही है तो उनकी फाइलें भी बंद कर देती है। लेकिन जो अभी हाल ही के दिनों में घटना हुई, एक युवती का शव मिला अधजला हुआ, तो इस पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्रामीणों ने जो बात कही कि रेप के बाद उसकी हत्या कर इसके शव को ठिकाने लगाया गया, तो इसको लेकर के अब जो पुरानी घटनाएं थी उन पर भी लोगों के की चर्चा शुरू हो गई। क्योंकि जो पहली युवती की लाश नहीं मिली है, क्योंकि जिस तरीके से खैरा के पास उसकी एक युवती को कूड़े के ढेर में जलाया गया था, जब उसकी जानकारी लगी उसमें पुलिस ने काफी हाथ पांव चलाए, लेकिन उसकी भी शिनाख्त नहीं हो पाई, ना ही उसके आरोपी पकड़े गए। उससे पहले चिन्हट में एक बोरे में एक खेत में बॉडी फेंकी गई थी युवती की, उसकी भी आज तक शिनाख्त नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पुलिस दावे करती है कि बॉडी की शिनाख्त की जाएगी और आरोपियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन जब उस शिनाख्त ही नहीं हुई तो आरोपी तक पुलिस कैसे पहुंचेगी, और इसके बाद पुलिस अपनी फाइल बंद कर देती है। लेकिन सवाल यहां पर लोगों के बीच ये भी बना हुआ है कि जिस तरीके से इस युवती की हत्या कर उसके शव को जलाया गया, तो क्या पुलिस इसमें खुलासा कर पाएगी या फिर इसकी भी फाइल इसी तरह बंद हो जाएगी। लेकिन अधिकारियों का दावा है कि इसमें आरोपियों को पकड़ा जाएगा, जो ITMS कैमरे हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन ये सब जो दावे हैं, क्या ये दावे इनके साबित सही होंगे या फिर ये भी उसी तरह खोखले होकर के फाइल बंद हो जाएगी? जी धन्यवाद कलीम तमाम जानकारी।
पाठक का कानपुर दौरा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बृजेश पाठक कानपुर दौरे पर रहेंगे। संभ्रांत ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में डिप्टी सीएम शामिल होंगे। संभ्रांत ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में आए हुए लोगों को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यशोदा नगर स्थित निजी गेस्ट हाउस में ब्राह्मण सम्मेलन होगा। कानपुर पुलिस लाइन में उतरेगा हेलीकॉप्टर, सड़क मार्ग से कार्यक्रम में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। नगर निकाय आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जारी हो सकता है वार्डों का आरक्षण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर निकाय से जुड़ी वार्ड आरक्षण की अधिसूचना आज जारी की जा सकती है। आपत्ति सुझाव की तारीख 6 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है। आपत्तियों के निस्तारण की कार्रवाई भी लगातार चल रही थी। आरक्षण की अधिसूचना आज जारी हो सकती है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला प्रशासन निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण की अधिसूचना जारी कर सकता है। गरीब कैदियों को न्याय दिलाने में मदद करेगी केंद्र सरकार, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गरीब लोगों के जुर्माने और जमानत के लिए केंद्र सरकार पैसा देगी। गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार विचाराधीन कैदियों की समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठा रही है। कलेश के चलते विवाहिता ने खुदकुशी की है, बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। जहां फांसी पर लटका मिला 25 वर्षीय विवाहिता का शव। किराए के मकान में पति के साथ रहती थी मृतिका मंजू। मृतिका का पति औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में काम करता है। कलेश के चलते विवाहिता ने खुदकुशी की है, बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। फांसी पर लटका मिला 25 वर्षीय विवाहिता का शव। किराए के मकान में पति के साथ रहती थी मृतिका मंजू। मृतिका का पति औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में काम करता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खत्रीवाड़ा का पूरा मामला बताया जा रहा है। हत्यारोपी पति फहीमुद्दीन को एडीजी 2 कोर्ट ने सजा सुनाई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 वर्ष की कैद और 10,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। 3 साल पूर्व पत्नी की पीट पीट कर हत्या के मामले में सजा हुई है। आरोपी पति फहीमुद्दीन को एडीजी 2 कोर्ट ने सजा सुनाई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से 7 वर्ष की कैद और 10,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। 3 साल पहले पत्नी की पीट पीट कर हत्या के मामले में सजा हुई है। आरोपी पति फहीमुद्दीन को एडीजी 2 कोर्ट ने सजा सुनाई है, बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें 7 वर्ष की कैद और 10,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। 3 साल पहले पत्नी की पीट पीट कर हत्या के मामले में सजा हुई है। हत्यारोपी पति फहीमुद्दीन को एडीजी 2 कोर्ट ने सजा सुनाई है, बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 7 वर्ष की कैद और 10,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। 3 साल पहले पत्नी की पीट पीट कर हत्या के मामले में ये सजा हुई है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।